हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ का लेसन नंबर 6 बायोलॉजी जैव प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। ये जैव प्रक्रम मींस लाइफ प्रोसेसेस। ये जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम को हम लोग समझेंगे वे क्रियाएं जो सजीवों में शरीर के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है उसे जैव प्रक्रम या जैव क्रियाएं कहते हैं। द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। इस जैव प्रक्रम में हम लोग देखते हैं कि ये सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। तो एक प्रश्न आता है कि ये सजीव क्या है और ये निर्जीव क्या है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सजीव और एक निर्जीव। हम लोग क्लास 7, 8, 9 में पढ़ के आए हैं कि सजीवों में प्राण होता है, निर्जीव में प्राण नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग जैव प्रक्रम के द्वारा दोनों में अंतर करेंगे। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, पोषण। सजीवों में पोषण होती है, निर्जीव में पोषण नहीं होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में, पौधों में पोषण भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि सजीवों में, जबकि निर्जीवों में इन सब की आवश्यकता नहीं होती। सजीवों में पाचन होता है, डाइजेशन होता है, निर्जीव में पाचन नहीं होता है। सजीवों में श्वसन होती है, निर्जीव में श्वसन नहीं होती है। सजीवों में पदार्थों का परिवहन होता है, इसमें जल, रुधिर इत्यादियों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, जबकि निर्जीव में ये क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सजीवों में जनन या प्रजनन होता है, निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती। सजीवों में वर्ज पदार्थों को बाहर निकाला जाता है जिसे उत्सर्जन कहते हैं, जबकि ये क्रियाएं निर्जीव में नहीं होती है। तो हमारे पास पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, जनन और उत्सर्जन क्रियाएं हैं। इनके हम लोग देखेंगे, इसी आधार पर हमारे जो क्लास 10th में जो टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल पढ़ना है, ये हमारे पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, जनन और उत्सर्जन। पोषण, पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। पाचन को डाइजेशन, श्वसन को रिस्पायरेशन, परिवहन को सर्कुलेशन, जनन को रिप्रोडक्शन और उत्सर्जन को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हमें सिंपल सा चीज याद रखना है, ये याद रखना है कि ये सारी क्रियाएं जो हैं, जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है, इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने का तरीका है, हम छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं, न्यू रिकॉर्ड। न्यू, एन फॉर न्यू, एंड दिस इज रिकॉर्ड, RECORD। ओ को हम लोग कोशिका बना दिए। अब हम लोग देखते हैं एन, एन फॉर न्यूट्रिशन,
फिर हम लोग आर देखते हैं, आर आर फॉर रिस्पिरेशन श्वसन, ई फॉर एक्सक्रीशन उत्सर्जन, सी फॉर सर्कुलेशन परिवहन, ओ हम लोग हटा देते हैं, आर रिप्रोडक्शन एंड डी इज माय डाइजेशन। इसको हम लोग सिंपल याद रखेंगे, न्यू रिकॉर्ड, एन फॉर न्यूट्रिशन, आर फॉर रिस्पिरेशन, ई फॉर एक्सक्रीशन, सी फॉर सर्कुलेशन, ओ को हम लोग हटा देते हैं, आर फॉर रिप्रोडक्शन एंड डी फॉर डाइजेशन। एन पोषण, आर श्वसन, ई उत्सर्जन, सी परिवहन, आर जनन और डी पाचन। अब हम लोग एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज रिस्पिरेशन, व्हाट इज सर्कुलेशन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग जो पहला पॉइंट है पोषण, उसको डिटेल करते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स, हमको क्या चीज की जरूरत है अपने भोजन में। जैसे भोजन के 7 तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, जल है, विटामिन है और उपक्षांश है। तो ये हम लोग पोषण समझेंगे कि ये पोषण होता क्या है। तो पोषण सजीवों में होने वाली वह महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण होती है, जिससे ऊर्जा बनती है तथा यह जीवन के स्वास्थ्य और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। पोषण, न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज अ वाइटल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर वी इंटेक फूड, डाइजेस्ट, एब्सॉर्ब, असिमिलेट, दैट गिव्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो ये पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण होता है, ऊर्जा बनती है, स्वास्थ्य वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। ये पोषण के प्रकार, पोषण के दो प्रकार, एक स्वपोषण जिसे ऑटोट्रॉप बोलते हैं, दूसरा है परपोषण जिसे हम लोग हेटरो ट्रॉपिक बोलते हैं। स्व मतलब स्वयं, अपने आप, खुद, सेल्फ, पर मींस दूसरे पर निर्भर। स्व पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण
किया जाता है। पर पोषण वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहती है या दूसरे पर निर्भर रहती है, उसे परपोषण कहते हैं। और ऐसे पोषण करने वाले सजीवों को स्वपोषी तथा परपोषण करने वाले सजीवों को परपोषी कहा जाता है। स्वपोषण के उदाहरण है हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, कुछ जीवाणु, सम बैक्टीरिया और सेवा अलगी। पर पोषण हम लोग देखते हैं ये तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले वाले को हम लोग बोलेंगे मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और पर पोषण, इसे हम लोग होलोजोइक कहते हैं। मृत जीवी जैसा नाम से है, पोषण की वह विधि जिसमें मरे हुए जीव जंतुओं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं। परजीवी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अपने आश्रय और भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और पर पोषण किसी भी पोषण के जो पांच स्टेप्स होते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, ये पांचों प्रक्रियाएं जिसमें होती है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और हम लोग जानते हैं इसका जो उदाहरण है मनुष्य और अमीबा में भी ये प्रक्रिया होती है। परजीवी दूसरे पर रहती है, इसका उदाहरण हो गया जू और मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। एक क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के परजीवी का क्या नाम है, तो मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। जब हम लोग मलेरिया से किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट कराने के बाद जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और वहां जो पैरासाइट होती है वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम होती है, और हर एक रिपोर्ट में पी वाइवेक्स लिखा रहता है क्योंकि ये झारखंड में ये प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पी फॉर प्लाज्मोडियम, बी फॉर वाइवेक्स। जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो मलेरिया से ग्रसित है, तो ये झारखंड में पाया जाने वाला जाति है। मृत जीवी जो मरे हुए जीव जंतु से अपना प्राप्त करता है, जैसे इसका उदाहरण है कवक, फंजाई, फंगस जिसे कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्वपोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में फोटो सिंथेसिस कहा जाता है। फोटो, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट, जैसे यहां प्रकाश है, इस प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है या कहां होती है, हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड,
जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, तथा जड़ से खनिज लवण और जल का अवशोषण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरी पत्तियों में अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करती है। उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहां पे होगी? हरे पौधों में होगी। और ये जो हरे पौधे हैं, ये वायुमंडल से हमारे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, जड़ से खनिज लवण लिया जाएगा, जल लिया जाएगा, उसको अवशोषण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरी पत्तियों में अपना भोजन बनाती है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के कितने घटक हो गए? प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने घटक और जो आवश्यक सामग्री है इसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो आवश्यक सामग्री मेरे पास क्या क्या हो गया? पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा खनिज लवण, चौथा जल और पांचवा है क्लोरोफिल। फर्स्ट सनलाइट, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मिनरल्स, फोर्थ वाटर एंड क्लोरोफिल। यहां एक दो सिंपल क्वेश्चन कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं दिन में होती है या रात में? आंसर, सूर्य का प्रकाश कब दिखाई देता है? तो सूर्य का प्रकाश दिन में दिखाई देता है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होती है। इसे हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। और इसमें एक और प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस, इंपर्जेंस ऑफ सनलाइट, इंपर्जेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स रिक्वायर्ड, वाटर इसेंशियल एंड प्रिपेयर्स फूड, इंपर्जेंस ऑफ क्लोरोफिल। संश्लेषण को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं? पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जड़ों में पाया जाने वाला खनिज लवण और जड़ों में दिया जाने वाला जड़ जल, और हरी पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। इन सब की उपस्थिति में हरे पौधों में ग्लूकोज बनता है, जिसे हम लोग हरे पौधे का भोजन कहते हैं। यहां से एक प्रश्न आता है कि पौधे का रसोई घर क्या है? किचन ऑफ प्लांट। इसका आंसर है हरी पत्ती, ग्रीन प्लांट्स। तो प्रकाश संश्लेषण की इसको हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं। जब तक ये नहीं रहेगा, जब तक दिन नहीं होगी, जब तक सूर्य का प्रकाश दिखेगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब हम लोग इसको समीकरण देखते हैं, कितना आसान है। हम लोग यहां देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ले रहा है, और इसमें क्या मिलाया जा रहा है? जल। इसके बाद ये किस भोजन का निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कौन सा गैस को रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन।
और बहुत सारा जल वाष्पीकरण के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या संकेत होता है, तो CO2। जल का क्या संकेत होता है, H2O। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य का प्रकाश। और वर्णक है क्लोरोफिल, इससे क्या बनते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। और ये केमिकल इक्वेशन हो गया जनरलाइज स्ट्रक्चर में। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। यहां पे देखते हैं C1 है, यहां पर कार्बन 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम लोग क्या कर दें, यहां 6 कर दिए। और जब यहां 6 हो गया तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पे 12 कर दिए, यहां 6 कर दिए, यहां 6 कर दिए। अब मेरा ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो 6CO2 प्लस 12H2O, इंपर्जेंस ऑफ सनलाइट, इंपर्जेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट गिव्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।